यहाँ पे दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं कि ऑफिस हैं हमारे। कैन यू प्लीज गिव सम इंट्रोडक्शन अबाउट दिस प्लेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू गाइस इन उस्मान व्लॉग्स। तो जो आज का व्लॉग है वो बहुत मजे का होने जा रहा है, क्योंकि आज के व्लॉग में एक स्टूडेंट की जो जिंदगी है साउथ कोरिया में सुबह से लेकर शाम तक क्या रूटीन होती है वो मैं आज आपके साथ अपनी जो है लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अभी सुबह 4 का टाइम है, 4 बजे उठे हैं। 4 बजे उठ के अभी जो है वर्कआउट पे जाना है। यू गाइस कैन सी आउटसाइड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अभी वर्कआउट जाएंगे, वर्कआउट से आके नाश्ता और वो सारी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो गाइस हम चले हैं वर्कआउट वास्ते। वर्कआउट करने के लिए ये बंदा देख ले, सुबह सुबह भी ये बंदे को चैन नहीं है। चलो मार जल्दी कर, आगे नमाज भी पढ़नी है भाई। तो गाइस आज थोड़े ना शेयर करते हैं असि अज अपनी रूटीन। लिफ्ट अठवां साडा पोर्शन हैगा, अठवें पोर्शन के उत्ते आएगी लिफ्ट। सारे सो रहे ने फिलहाल। तो अज जी वीडियो हैगी बड़ी मजे की बनने वाली आ, देखते हैं अगे जाके की होंगे। Look at this taxi. तो 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगाया है, एक राउंड 1.5 किलोमीटर का। ये भाई तो पहले थक गया था। तो गाइस बात कुछ ऐसे है कि वर्कआउट कर लिया है तो अभी फजर की नमाज पढ़ने लगा हूँ। तो मिलते हैं नमाज के बाद। जो ब्रेकफास्ट है वो ऊपर रखती है कुछ उबलने के लिए, उसमें एग्स भी डाल देता हूँ अभी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको बाद में। ये ग्रेप्स का जूस, साथ में फ्रूट मैंगो, उसके बाद ये ब्रेड, टोस्टेड ब्रेड। सो गाइस नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सेजोंग यूनिवर्सिटी। आदिल भाई का बहुत शुक्रिया, ये भी हमारे साथ आ गए हैं। थोड़े से लेट थे तो आदि भाई भी हमारे साथ हैं, बाहर पीछे बैठा हुआ है। तो अभी जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में एक दो काम है, आज इमिग्रेशन जाना है, वीजा अप्लाई करना है और दो चार काम है। तो थैंक यू सो मच आदि भाई। लेट्स सी यू गाइस देयर। सोल पहुंच गए हैं, आदिल भाई के साथ हैं। अभी गोशेवान ढूंढना है जी यहाँ से। तो गाइस गेम कुछ इस तरह है कि सेजोंग यूनिवर्सिटी जो कि मेरी यूनिवर्सिटी है वहाँ पहुँच गए हैं। अभी लाइन में लगा हूँ, लाइन आप देख सकते हैं पीछे। लाइन इस तरह है कि आज वीज़ा अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं वो मशीन से। तो आज पहले से ही लास्ट डेट है, इमिग्रेशन एक्चुअली आई है हमारी यूनिवर्सिटी में, सो दैट्स व्हाई। तो अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, ये यूनिवर्सिटी है हमारी, अभी बेसमेंट में कह रहा हूँ। ये तो नहीं लाइक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो आपको विजिट करवाएंगे बाद में इंशाल्लाह। बहुत जलील हुए हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स जमा करता रहा हूँ और डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए। आदिल भाई को भी साथ में थोड़ा सा तंग किया आज। और अभी जा रहे हैं, अभी कुछ खाना पीना खाएंगे। तो यूनिवर्सिटी आज क्लास वगैरह तो नहीं थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में आज थे थोड़े से काम यूनिवर्सिटी के, ये कि जी हमने वीज़ा अप्लाई करना था एंड एवरीथिंग। तो आपको यूनिवर्सिटी अगर देखनी है तो दिखा देते हैं जी। ये है मेरा डिपार्टमेंट, एवरीथिंग इज हियर। नाउ वी आर गोइंग टू द कार पार्किंग। What are you doing, man? Overacting, bro. You are overacting, you know that? उधर ट्रॉजर में समझ नहीं आ रहा। क्या था? बाबा, ये मैं उसका ही। ये पाकिस्तान का झंडा। आदर। तो ये सारे यूएसए वगैरह सब के लगे हुए हैं, ये इंडिया का लगा हुआ है, इंडिया वालों। बांग्लादेश का भी इधर, वो बंगालों का लगा हुआ है, बंगाली बांग्लादेश। तो
अब भी जा रहे हैं गाड़ी निकालने, जाना ही जाता है, क्या भी नहीं है। पता नहीं कि सारी जिंदगी आपने क्या किया कोरिया में, आई डोंट नो, 5 साल आपको हो गए। ये देखें जी, ये निकालने में मशहूर है। लोटे टावर, द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट बिल्डिंग, फिफ्थ आई थिंक। तो बात कुछ ये है, तो मैंने कहा कुछ आपको जाते जाते वो एक भाई कह रहे थे कोरिया की स्ट्रीट्स देखनी है, तो ये स्ट्रीट व्यू भी दिखा देना। कनाडा का झंडा, कनाडा कनाडा का झंडा विद कोरिया का झंडा, कनाडा का झंडा विद कोरिया का झंडा, चाइना का भी है ना, ये इधर आया है, इधर पाकिस्तान का भी आएगा, ये सारे ट्रेड सेंटर है ना यहां पे। हां ट्रेड होती है ना, इंडो सारा इंडिया, इंडो इंडो सारा इंडिया, इंडिया वेयर इज पाकिस्तान ब्रो, आई थिंक वी लेफ्ट बिहाइंड, वी लेफ्ट बिहाइंड, नो उज़्बेकिस्तान, या ब्रो नो आई थिंक इट्स इजराइल, दिस इज नो दिस इज अर्जेंटीना, yeah this is Argentina, yeah Amar is right, Mexico, then Mexico my favorite, straight Russia, and Saudi Arabia and South Africa and England, Wesley Rachel Koss, this yaar iska sab, so guys झंडा देख रहे हैं पाकिस्तान का, ढूंढ रहे हैं, अल्लाह करे हमें हमने पीछे ना छोड़ा हो, नहीं है इंडिया, इंडिया इजराइल अर्जेंटीना, पाकिस्तानी झंडा नहीं है, पाकिस्तान हमारा हायर लेवल का कंट्री है, सो ये जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ गया, कौन सा ये वाला जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दिस इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फ्रॉम साउथ कोरिया, यू नो दैट, हमने जाना है, अगर आपने गंगम जाना है तो सीधा चले, अगर कोर्स जाना है तो भाई मैं कुछ और बोलूंगा, जहाँ पे आपने जाना मुझे वो बताएं, सर आप मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, मुझे ना बताएं आप बताएं, उस्मान साहब बताएं किधर जाना है, कोएक्स, कोएक्स जाना है, कोएक्स के लिए गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, नहीं तो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस इन कोरिया, तो अभी हम हैं जहाँ पे दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं कि ऑफिस हैं, हमारा कैन यू प्लीज गिव सम इंट्रोडक्शन अबाउट दिस प्लेस, the Starbucks, you can read whatever you want, look the people are reading here, yeah. So this is really really good place for the students, especially yeah. for the professors and everything, this place is look at the social distancing that they are following the rules of the social distancing, it's really important, yeah, so हमें मैकडोनल्ड्स नहीं मिल रहा था यहाँ पे, तो ये भाई कोरियन मिले हैं हमें, तो ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, ये हमें उधर छोड़ने जाएंगे, लाइक 7000 फीट्स हैं, लाइक 700 मीटर है, फिर भी ये हमें उधर तक छोड़ने जा रहे हैं, तो कोरियन की ये चीज़ एक है, ये अच्छी लगती है ना हमें, और ये जो सिक्योरिटी कैंप्स पड़े हैं इधर, तो अदनान भाई फूड देख के कैसा लग रहा है, फूड सामने आ गया तो मज़ा आ गया, तो जी खाना आ गया, अभी खाना खाएँगे, अमर भाई थक गए हो, नो ब्रो ये बंदा फ्रेश ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मैकडोनल्ड्स का सीन है, कुछ टाइम कुछ है 5:30 का, खाना खा रहे हैं, तो खाना खा के निकलते हैं, तो अगली स्टोरी बाद की। सो वी आर गोइंग आउटसाइड राइट नाउ, वी एट अलॉट नाउ, वी आर फ्री, तो गाइस कोरिया 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 साउथ कोरिया जो कहते हैं जी, ये है जी साउथ कोरिया, तो गाइस अभी हमने खाना खाया मैकडोनल्ड से, खाना खा के अभी हम कोएक्स से निकल रहे हैं,
तो आते जाए आदमी के साथ। अभी हम जा रहे हैं, अभी हमने गाड़ी पार्क की है नीचे, तो गाड़ी लेंगे पहले, गाड़ी लेके फिर हमने इंशाल्लाह वापस जाना है प्योसी की तरफ। तो गाइस अगर आपका कभी इधर आने का प्लान है कोएक्स आने का, तो यकीन करें बहुत मज़ा आने वाला है। ये गंगनम का वो एरिया है जो कि पाकिस्तान से कम 100 साल आते हैं, 50 से 100 साल कम से कम आ गया है, जिसमें ईच एंड एवरी थिंग इज़ रियली गुड। मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ के जो लोग हैं वो भी मॉडरेट हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। चले आदिल भाई आएँ और साथ में इनको दिखाते जाते हैं ना। जो बिल्डिंग है एक्चुअली इसमें वर्ल्ड वाइड जो है ऑफिस हैं, सैमसंग, आईफोन, एवरी थिंग, लाइक आपके जो बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़े बड़े जो चीज़ें हैं उनके जो ऑफिसर हैं उनके ऑफिस इधर ही हैं तकरीबन सबके। तो जी आगे आप खुद ही देख लें, वेदर भी बहुत अच्छा है। गाइस एक्चुअली ये थोड़ा सा रूटीन से हट जाता है मेरी से। अमार वेयर आर यू गोइंग मैन? बुरबुरी। ये हैं जी हमारे आदिल भाई, ये मजे की चीजें हैं। अमार यहाँ आके गुम हो जाता है। वो लोटे माल नजर आ रहा है जो दुनिया की 5वीं बड़ी बिल्डिंग है, लोटे टावर, द 5th लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ साउथ कोरिया। Yeah, you guys can see. बहुत मज़े की प्लेस है वो भी। ये गंगनम का सारा इलाका ही बहुत अच्छा है माशाल्लाह। डेटिंग प्लेस है यहाँ पे,